Sanari. Thoda sa beta, I think voice disconnect ho gayi thi. Now you can hear, I think. हमने क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस करनी, क्वेश्चन बैंक से देखते हैं क्वेश्चन, और मैं आपको क्वेश्चन बैंक से दिखाऊंगा यार, हैंडबुक भी कर देना, हैंडबुक तीनों चीजें मैंने चैप्टर खत्म किया था, मैंने गो थ्रू करना, क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम हैंडबुक से भी कुछ देखेंगे और स्टडी रेक्स भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आपके साथ, नीचे ऊपर 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 नीचे क्वेश्चन बैंक भी खोल दो, स्टडी टेक्स भी खोल दो, और ऊपर जो सीमैक का पीडीएफ भी खोल दो, इसमें चैप्टर नंबर 3, इसका मुझे क्वेश्चन भी चाहिए सॉल्यूशन भी चाहिए। सॉल्यूशन भी क्वेश्चन बैंक स्टडी टेक्स अभी पीडीएफ में होगा, ओके निकालने बोलूंगा मैं खुद, के निकाल लूंगा क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन वैसे खोल दो, तो इसमें स्टडी टेक्स ही चैप्टर नंबर 3 खोल दो बस, ठीक है, ये बुक इसको वैसे कैंसिल करा लो, हाँ इसको पार करो, चलो शुरू कर दो, स्टडी टेक्स्ट खोल तो हुई थी, चैप्टर में 3 खोल तो रही, क्वेश्चन बैंक खोलना, इसका भी मैं यही समझाना कर लूंगा, ठीक है, यही सवाल ही मुझे चाहिए, इसके आगे भी की चाहिए, यही चाहिए मुझे सवाल, बस ठीक है, यहां से मैं यही चला लूंगा, इधर से ये आ जाएगा, ठीक है, इधर से बुक आ जाएगी, मैं कर लूंगा, ठीक हो गया, डन हो गया, कर लूंगा, हाँ जी बेटा मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर की है, नाउ इट इज क्लियर, स्क्रीन आप देख सकते हैं, सब कुछ स्क्रीन नजर आ रही बेटा, हाँ जी बेटा काइंडली सब लोग रिप्लाई करें, हाँ जी, सो नाउ वी विल कंटिन्यू, फाइन, अच्छा बेटा अब हम कंटिन्यू करेंगे फर्दर, अच्छा एक तो हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है बेटा, मैं चाह रहा था कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूं आपको जल्दी से, कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लें और मैं आपको बुक से भी थोड़ा गो थ्रू करवा दूं, तो सबसे पहले आपके सामने ये स्टडी टेक्स्ट है यार, स्टडी टेक्स्ट से मैं चीजें आपको सारी क्लियर कर दूं कि जो जो आप पढ़ चुके हुए, आपको स्टडी टेक्स्ट से ही आइडिया होना चाहिए कि आपने क्या क्या पढ़ लिया बस, तो स्टडी टेक्स्ट से मैं आपको चीजें थोड़ी क्लियर करवा दूंगा ताकि आपको आइडिया होगा आपने क्या क्या चीजें पढ़ ली नहीं ना। एक बच्चे का सवाल है कि सर ये क्वेश्चन का 3.8 नहीं हुआ, ठीक है अभी भी मैं आपको कह दूं 3.8 अभी सबसे पहले मैं डिस्कस कर दूंगा और बताएं, 3.9 भी अभी हम करेंगे, 3.7 भी अभी, जो चीजें भी रहती है बेसिक अभी मैं अभी आपको सॉल्व करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, फाइन, अच्छा जी सबसे पहले ये चैप्टर हमारे पास, ये चैप्टर में गो थ्रू कर लेते चीजें आपको थोड़ा आइडिया हो, हमने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की बात की थी, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर ये सारी डायरेक्ट कॉस्ट, इसको हमने नहीं करना होता, जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो ओवरहेड होती है उसको हम उसके वर्किंग कर रहे होते हैं, दो कॉस्टिंग के मेथड हैं, एक हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग है, एक हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, ये भी हम पढ़ेंगे, इसमें चित करेंगे हम बात,
मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है उसके हम बात करेंगे यहाँ पे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीजें होती है। जैसे मैंने बात की थी आपके साथ कि कंपनीज के बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं, हम जितनी भी वर्किंग करें अभी तक ये सारी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो ओवरहेड्स लगे हैं उसकी कैसे वर्किंग करनी वो अभी अब तक हमने बात की है। बाकी जितने भी नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है उसकी कॉस्ट को कैसे हमने करना है उसके लिए अभी हम वर्किंग करेंगे। अच्छा जी, ये चैप्टर हमारे पास ये चीजें इंट्रोडक्शन, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, ये जितनी भी ओवरहेड्स को मैं एब्जॉर्ब करवा रहा था ये सारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अप्लाई करा होता है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एक अभी मैं आपको पूरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेटा और मार्जिन कॉस्टिंग दोनों पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो ये चीजें क्या होती है, क्या क्या इनमें फर्क है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होता क्या है कि हम ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करवाते हैं, शामिल करते हैं, इसमें वेरिएबल ओवरहेड्स भी लेते हैं, इसमें फिक्स्ड ओवरहेड्स भी हम यहाँ पे एब्जॉर्ब करवा रहे होते हैं ना। ये एब्जॉर्प्शन मार्जिन कॉस्टिंग के बारे में डिस्कशन की हुई इसमें। हमने पढ़ा था सबसे पहले एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट, ये सारा हम पढ़ चुके हैं बेटा। एलोकेशन का मतलब क्या होता है मैं बता चुका हूँ आपको, अपोर्शनमेंट का मतलब क्या होता है मैं आपको ये बता चुका हूँ, फिर अपोर्शनमेंट की बेसिस क्या होती है ये भी हमने पढ़ ली हुई, फिर मैंने एग्जाम्पल आपको करवाई थी री अपोर्शनमेंट कैसे करवाते हैं उस पर भी मैंने बात कर ली हुई आपके साथ। हाँ जी, अब ये एब्जॉर्प्शन, ये अपॉइंटमेंट सर्विस डिपार्टमेंट से री अपॉइंटमेंट कैसे करवाते हैं उसके दो मैथड है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें वही हमारे पास अप्लाई हो रही है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्या था स्टडी टेक्स्ट, तो स्टडी टेक्स्ट में ये सारी चीजें अप्लाई हो चुकी है इसी तरह से। साइमल्टेनियस क्वेरी मेथड भी हमने डिस्कस कर लिया था और आगे हम इस सवाल पे एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन पे हम आगे थे, उसमें हमने बात कर ली भी कि नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं, डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ये सब बेसिस होती हैं। इस पे भी हमारी डिस्कशन हुई है कि एग्जाम्पल है इसको देख लीजिएगा बेटा, सिंपल एग्जाम्पल है, इसमें भी ऐसे कोई ऐसी बात नहीं। डिपार्टमेंटल एब्जॉर्प्शन रेट्स और फैक्ट्री वाइड एब्जॉर्प्शन रेट, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग रेट होता है और हर एक डिपार्टमेंट का रेट एक निकाल के हम उसको अप्लाई करवा रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये भी हमने बात कर ली भी कल के सवाल में थोड़ी सी। अच्छा, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में इस पे जरा बात करूं थोड़ी सी, इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी बेटा, जरा गौर कीजिएगा जरा पे। जितने भी आपके नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं, हम अभी तक जितनी हमने बात की है एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट, एब्जॉर्प्शन, ये चारों चीजें कहाँ अप्लाई हो रही होती है, ये चारों से चारों चीजें कंपनी का एक डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वहां पे ये सारी चारों की चारों चीजें हम अप्लाई कर रहे होते हैं। ये जितने भी आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट को हम पहले एलोकेट करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं तमाम डिपार्टमेंट से पहले हम एलोकेट करते हैं, फिर अपोर्शन करते हैं, फिर रीअपोर्शनमेंट करते हैं, फिर एब्जॉर्प्शन करते हैं, फिर उन तमाम डिपार्टमेंट्स का अलग अलग एब्जॉर्प्शन रेट आ जाता है। उस रेट के थ्रू हम उस डिपार्टमेंट के ओवरहेड एक यूनिट की कॉस्ट के अंदर क्या करते हैं हम शामिल कर रहे होते हैं। तो उस रेट के थ्रू एक यूनिट की कॉस्ट में हम एक यूनिट की उस रेट के थ्रू एक यूनिट की कॉस्ट के अंदर हम उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को एब्जॉर्ब करवाते हैं। हाँ जी बेटा, आवाज आ रही सबको बेटा, आई थिंक सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है, आई थिंक। हाँ जी, ओके बेटा। अच्छा जी, तो हमने ये सारी बातें जो की अभी तक ये सारी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई होती है, एलोकेशन की, अपोर्शनमेंट की, रीअपोर्शनमेंट की, एब्जॉर्प्शन की, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उन तमाम डिपार्टमेंट्स को। हाँ जी बेटा, मेरी आवाज क्लियर नहीं है, कुछ लोगों को मसला आ रहा है यार। अच्छा ट्राई करें, आई थिंक अभी क्लियर हो जाएगी, हमने सवाल करने हैं यार, अब क्लियर है। ओके बेटा, ओके बेटा, हाँ जी हाँ जी, चलो सवाल पे आते हैं। अच्छा हम बात करते हैं, ये सब कुछ हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो रहा है, इसके बाद हमारे पास नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं बेटा। जितने भी आपके नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं उसकी कॉस्ट को कैसे एब्जॉर्ब करवाते हैं, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा मेथड होता है हमारे पास। यानी हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की सारी कॉस्ट निकाल ली है, अब नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट डिवाइड बाय प्रोडक्शन कॉस्ट, एक परसेंटेज आ जाती है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट का कितने परसेंट जो है वो नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट है। आप जैसे बात करें कि नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन कौन से हमारे पास, बहुत से डिपार्टमेंट है, तो उसमें से एक डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, एक डिपार्टमेंट सेल्स है, तो क्या कर सकता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स माइट बी एडेड एज अ परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट। यानी क्या करूंगा मैं कि यहाँ पे लू, मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जितनी भी कॉस्ट है वो कॉस्ट ले लेंगे हम, कि नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कितनी कॉस्ट आ रही है, तो नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट डिवाइड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट,
तो नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हम डिवाइड करके एक रेट निकाल लेंगे, उस रेट के थ्रू उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को हम क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करवा देंगे, इंक्लूड कर देंगे यूनिट की कॉस्ट के अंदर, हम इसको शामिल कर रहे होते हैं। तो जितने भी नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट होती है इसको हम एज अ परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट हम चला देते हैं, या यूं भी कर सकते हैं कि सेल डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है उसको एज अ परसेंटेज ऑफ द सेल माइट बी एज अ परसेंटेज ऑफ सेल भी हम चला सकते हैं इसको। लाइक अगर आप इस सवाल को देखें तो इस सवाल में हमारे पास क्या है, इस सवाल को जल्दी से बेटा देख लेना, फुल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फुल प्रोडक्शन कॉस्ट एक्स की कितनी है हमारे पास दी हुई, ये 2 लाख है। फुल प्रोडक्शन कॉस्ट वाई की कितनी दी हुई, ये 1 लाख है बेटा, ये फुल प्रोडक्शन कॉस्ट दी हुई। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड्स हैं, सेल्स एंड डिस्टोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड्स हैं। तो सिंपल क्या करें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट को आप ऐड कर लें, दोनों को आप ऐड कर लें यार, कितना बनता है ये देखें, ये 3 लाख बनता है, 3 लाख बनता है। तो अब एडमिन की कॉस्ट को क्या करेंगे, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइड बाय प्रोडक्शन कॉस्ट इनटू 100 करके, तो 40% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगा हमारे पास। तो दोनों प्रोडक्ट की जो एक्स और वाई की अलग अलग मैं जब नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने लगूंगा तो जो भी इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट का 40% लूंगा तो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट मेरे पास आ रही होगी, इस तरह से कर सकते हैं। ये जो हमारे पास सेल्स है तो सेल्स में क्या करें, यह प्रोडक्ट एक्स है, प्रोडक्ट वाई है, एक्स को एक्स की सेलिंग प्राइस से वाई को वाई की सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके इनकी सेल रेवेन्यू निकाल लें, टोटल सेल रेवेन्यू। तो सेल्स की कॉस्ट हो, यानी जैसे ये एक्स है तो इसको एक्स की सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया, वाई को वाई की सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया, दोनों की सेल निकाली, टोटल सेल ये आगी 8 लाख की, 8 लाख की सेल आ गई, तो ठीक है। तो टोटल हमारे पास सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल सेल इनटू 100, तो 25% ऑफ द सेल्स होगा। तो एक्स और वाई में हम इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो लिहाजा हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेशन अपोर्शनमेंट रीअपोर्शनमेंट कर लेते हैं, ये सब कुछ करने कराने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद जितनी भी हमारे पास नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइड बाय प्रोडक्शन कॉस्ट इनटू 100 करके, जितनी भी नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट होती है उसको एज अ परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट या एज अ परसेंटेज ऑफ द सेल्स हम यूनिट की कॉस्ट में इंक्लूड करवा देते हैं। इसमें कोई इश्यू बेटा, इज इट क्लियर, सबको ये बात समझ आ गई ना कि नॉन प्रोडक्शन जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो सेलिंग है, एडमिन है, रिसर्च है, फाइनेंस है, आईटी है, जितने भी नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट होती है उनकी कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट या एज अ परसेंटेज ऑफ द सेल्स हम एक यूनिट की कॉस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, यहां तक बात सबको समझ आ गई है। इस एग्जांपल को बेशक देने, प्रोडक्ट एक्स और वाई की कॉस्ट निकाली हुई, तो हमने लाइक ये जो एडमिन की कॉस्ट है उसको एज अ परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट लिया हुआ है यहाँ पे। ये एडमिन कॉस्ट कैसे ली हुई है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट का परसेंटेज है, और ये सेलिंग की कॉस्ट कैसे ली हुई है, एज अ परसेंटेज ऑफ सेल लिया हुआ। प्रोडक्शन कॉस्ट सवाल में दी हुई थी, सेल्स वाले बात रिपीट करते हैं। अच्छा बेटा देखें, कुछ नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारे पास 2, 3, 4 प्रोडक्ट हैं तो दोनों की सेल रेवेन्यू निकाल लेंगे। जैसे प्रोडक्ट एक्स 1 लाख की सेल हो रहे थे, एक की सेलिंग प्राइस 5 रुपए है, प्रोडक्ट वाई 50,000 यूनिट सेल हो रहे हैं, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 6 रुपए है, तो मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट एक्स का सेल रेवेन्यू, प्रोडक्ट वाई का सेल रेवेन्यू, टोटल सेल रेवेन्यू निकाल लिया, 8 लाख आ गया। अब ये टोटल सेल रेवेन्यू निकाल लिया है, अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट कितनी है, 2 लाख है। तो 2 लाख हमने लिया, 2 लाख डिवाइड बाय 8 लाख इनटू 100, तो हमारे पास 25% ऑफ द सेल्स आ गया। इसका मतलब ये है, जब हम एक यूनिट की कॉस्ट निकाल रहे होंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी कॉस्ट को कैसे इंक्लूड करवाएंगे, एज अ परसेंटेज, यानी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट, इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी हमने एक यूनिट की कॉस्ट में अगर शामिल करना है तो हम लेंगे 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के 25% लेके मैं इसको शामिल कर लूंगा, और जो हमारे पास एडमिन लाइक नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, तो बाकी एडमिन की कॉस्ट उसको एज ए परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट हम ले रहे होंगे। यानी इस ये हमारी मर्जी वैसे होती है, अगर सवाल में ना दिया हो तो जितनी भी आपके नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं इन सबकी कॉस्ट को लेके हम डिवाइड करते हैं इसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट से, तो इनको हमेशा एज ए परसेंटेज ऑफ द, यानी ये समझ लीजिए एब्जॉर्प्शन की एक बेस इनके लिए बन रही होती है, इनको हम एज अ परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट या फिर एज ए परसेंटेज ऑफ द सेल्स रेवेन्यू हम इसको इंक्लूड करवाते हैं, शामिल कर रहे होते हैं। ये जो सवाल है इसके अंदर आपको जरा वो प्रॉफिट निकाल के दिखाया हुआ है, तो इसके लिए उसने टोटल सेल ली है, टोटल कॉस्ट, सब कुछ टोटल कॉस्ट ले रहा है यहाँ पे। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ एक यूनिट के लिए। हाँ जी, यहां तक बेटा कोई मसला, इज इट क्लियर, किसका 25 लेके किया है आंसर आया है बेटा 25% ऑफ द, यहाँ पे है ये क्या है 25% ऑफ द सेल रेवेन्यू। तो हमारे पास इस सवाल में सेल रेवेन्यू क्या है, एक्स का ये 5 लाख है, इसका 25% दिया हुआ है,
ये 3 लाख है बेटा, इसका 25% लिया हुआ है तो सेल रेवेन्यू का। अगर एक यूनिट की बात करता तो सेलिंग प्राइस दी होती, मैं सेलिंग प्राइस का 25% लेता, ये टोटल सेल्स दी हुई थी, टोटल सेल्स का फिर हमने 25% लेके इसमें इंक्लूड कर दिया। कोई इश्यू बेटा यहां तक? किसी का कोई और सवाल बेटा? सबको ये बात समझ आ गई है? इस एग्जाम्पल को फिर से देख लें बेटा, कोई इश्यू तो मुझे बताएं, फिर मैं आगे चलूंगा। इसको फिर से देख लें, आपकी बुक में भी होगी एग्जाम्पल, पेज 69 है ये आपके पास स्टडी टेक्स का। अंडरस्टैंड बेटा, किसी किसको ये बात समझ नहीं आई, मैं बात रिपीट कर देता हूं। इफ यू हैव एन इश्यू तो मैं इसको रिपीट कर देता हूं, कोई मसला नहीं है इसमें। सबको ये बात समझ आ गई है बेटा कि नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट को हमने कैसे वर्किंग करनी होती है? तो नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट के लिए हम क्या करते हैं, इनको एज ए परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट या एज ए परसेंटेज ऑफ द सेल्स रेवेन्यू हम इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं, वर्किंग कर रहे होते हैं इनकी। हाँ जी बेटा, सब लोग काइंडली रिप्लाई करें बेटा, जल्दी बताएं, इज इट क्लियर, डू यू अंडरस्टैंड? आपको समझ आ गई तो मैं आगे चलता हूं। बाकी सब लोग जल्दी, ये थी मेरे पास प्रोडक्शन कॉस्ट 2 लाख, हमारे पास एक्स की प्रोडक्शन कॉस्ट है इस सवाल के अंदर, 2 लाख बेटा मेरे पास एक्स की प्रोडक्शन कॉस्ट है, 1 लाख मेरे पास वाई की प्रोडक्शन कॉस्ट, दोनों सवाल में दिए हुए हैं। तो ये मैंने प्रोडक्शन कॉस्ट ले ली। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कौन से? एक एडमिन डिपार्टमेंट है बेटा और एक मेरे पास सेल्स डिपार्टमेंट है। तो एडमिन डिपार्टमेंट की कॉस्ट हमने क्या किया, एडमिन कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, इसी तरह हमने सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल सेल्स रेवेन्यू, इनको एज ए परसेंटेज हमने एडमिन की कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट लिया है और सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल रेवेन्यू लिया है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है हमको सवाल पढ़ने का टाइम देना चाहिए था। बेटा ये सिंपल सी एग्जाम्पल थी, इट्स नॉट टेक्निकल, मुझे टाइम वाकई देना चाहिए था, लेकिन ये सवाल ही बहुत ज्यादा रेलिवेंट ही नहीं है, आता भी नहीं, तो मतलब कि नॉन प्रोडक्शन की वर्किंग नहीं होती। बरल खैर, फिर भी आप देख लें यार, आप पढ़ लें, इसको देख लें, कोई इश्यू नहीं है, आप सवाल तो फिर से पढ़ लें, कोई मसला नहीं बेटा, टेक द टाइम, थोड़ा जल्दी से टाइम लें, इसको एक दफा देख लें, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूं, 2-4 मिनट वेट करता हूं, सवाल को फिर से पढ़ें, फिर से देखें, हम फिर कंटिन्यू करेंगे, कोई मसला नहीं इसके अंदर, आप आराम से सवाल को पढ़ लें। हसन बेटा, इसको आप आराम से पढ़ लें, हम इसको एक दफा फिर डिस्कस कर लेते हैं, कोई मसला नहीं बेटा इसके अंदर। बाकी सब लोग जल्दी बेटा, सवाल को करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट कि आप एक चीज और देख लें बेटा, एक चीज जो आपको मेन चीज है वो देखनी है, वो क्या है, एक मेन चीज कि कॉन्सेप्ट है क्या हमारे पास, ये कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जितने भी हमारे पास नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं उसकी कॉस्ट को हम कैसे वर्कआउट करते हैं। तो जितने भी आपके नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको हम नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लाइक दिस हियर, नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट डिवाइड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट इन 200 करके एज अ परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट हम वर्कआउट करके हम उसको इंक्लूड कर रहे होते हैं। सेल्स के लिए सिर्फ वाहिद सेल के लिए उसने कहा कि आपकी मर्जी है, इसको आप एज अ परसेंटेज ऑफ सेल भी दे सकते हैं, अदरवाइज इसको भी आप या बाकी जितने भी डिपार्टमेंट सबको आप जितने भी नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं उनकी कॉस्ट लें, उनको डिवाइड करें टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट से, तो हमारे पास एज अ परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगा। ये तो उसके रेलिवेंट ये एग्जाम्पल बनी हुई है। सवाल को फिर एक दफा पढ़ लें, कंपनी है, कंपनी ने क्या किया हुआ है, एक्स और वाई दो यूनिट है कंपनी के, एक्स के हमारे पास 1 लाख यूनिट सेल हो रहे हैं, वाई के हमारे पास 50,000 यूनिट सेल हो रहे हैं, एक्स की सेलिंग प्राइस 5 रुपए है, वाई की सेलिंग प्राइस 6 रुपए है बेटा। तो इसी तरह से हमारे पास अब प्रोडक्शन कॉस्ट दी हुई है कि एक्स जो हमारे पास है उसके हमारे पास कितनी उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 2 लाख रुपीज है, वाई की 1 लाख रुपीज है, अब एडमिन की ओवरहेड दी में अब 1,20,000 है, अब सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ हमारे पास वो 2 लाख है। तो अभी हमने बात की कि हम क्या करेंगे, कि हमारे पास जितनी भी नॉन प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है उसको एज अ परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ले लेते हैं। तो प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, दो टोटल मिला के एक्स और वाई के दोनों को मिलाएं बेटा,
एक्स वाई दोनों को मिलाएं कितना बनता है, ये 3 लाख बन जाता है। तो 3 लाख टोटल कॉस्ट है, 3 लाख बेटा टोटल कॉस्ट है। एडमिन की कॉस्ट कितनी, 1,20,000। तो 1,20,000 डिवाइड बाय 3 लाख, तो यहाँ आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं कि टोटल हमने ऐड किया, टोटल कॉस्ट कितनी हमारे पास 3 लाख है। एडमिन की कॉस्ट कितनी, यानी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी, 1,20,000। तो 1,20,000 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100 किया तो हमारे पास क्या निकला है, 40% ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट का ये 40% होता है, यानी एडमिन की जो कॉस्ट है ये हमेशा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट का 40% होता है। इसी तरह से उसने कहा कि सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करते हैं हम, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन को हम रेवेन्यू के बेस पे अब्सॉर्ब करवाते हैं। ये सवाल में बताया हुआ है कि हमारे पास एडमिन की ओवरहेड है कैसे अब्सॉर्ब होगी, एज अ परसेंटेज ऑफ द फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, और सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट कैसे अब्सॉर्ब होगी, एज अ परसेंटेज ऑफ द सेल्स रेवेन्यू। तो सेल्स रेवेन्यू कैसे निकलेगा, अब एक्स के यूनिट्स दिए में प्राइस दी भी बेटा, वाई के भी यूनिट्स दिए में हमारे पास प्राइस दी भी है, तो इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स के यूनिट्स और प्राइस को मल्टीप्लाई किया, वाई के यूनिट्स और प्राइस को भी हमने मल्टीप्लाई किया। तो एक्स के ये यूनिट्स थी 1 लाख, प्राइस थी 5 रुपीज, वाई के यूनिट्स 50 था, प्राइस थी 6 रुपए। मल्टीप्लाई करके हमने एक्स का रेवेन्यू निकाला, वाई का निकाला रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू 8 लाख आ गया। सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी है, 2 लाख है, 2 लाख के डिवाइड बाय 8 लाख इन 100 किया तो 25% ऑफ द सेल्स रेवेन्यू आ गया। कि सेल्स रेवेन्यू के जो 25% होगा हमारे पास वो क्या होगा, वो हमारे पास 25% जो होगा सेल्स रेवेन्यू का हमारे पास वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट होगी। एक्स और वाई की हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, एक्स की सेल दी हुई 5 लाख, वाई की दी हुई 3 लाख। प्रोडक्शन कॉस्ट ये दोनों सवाल में दिया हुआ है, यूनिट्स भी दिए हुए बेटा, कॉस्ट भी दी हुई है, ये दोनों चीजें हमें सवाल में दी हुई थी। तो हमारे पास सवाल में क्योंकि ये सब कुछ दिया हुआ था, एक सर आपकी आवाज दरमियान में बहुत डिस्टॉर्ट हो जाती है। अच्छा बेटा मैं मैनेजमेंट से कहता हूं कि ये आवाज खराब नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, सेलिंग प्राइस नंबर मल्टीप्लाई सेल यूनिट, तो हमारे पास सेल रेवेन्यू आ गया एक्स का बेटा। इसी तरह हमारे पास वाई का भी रेवेन्यू आ गई, एक्स है बेटा ये वाई है बेटा, ठीक हो गया। अब एक्स की प्रोडक्शन कॉस्ट भी मेरे पास आ गई है, वाई की प्रोडक्शन कॉस्ट भी मेरे पास आ गई है। अब हमने वर्किंग की थी कि जितने भी हमारे पास एडमिन की कॉस्ट है वो क्या हमने वर्किंग की थी, वो 40% ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो ठीक है उसका फिर 40% ले लिया कि प्रोडक्शन कॉस्ट को मैंने 40% लिया, इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट को मैंने 40% लिया। और जो सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट थी वो हमने बात की थी 25% ऑफ द सेल रेवेन्यू है, तो ये सेल रेवेन्यू 5 लाख इसका 25% लिया, ये 3 लाख इसका 25% लिया, तो सेल रेवेन्यू आ गया। तो इस तरह से वर्किंग कर ली। हाँ बेटा अब ये आपको सवाल क्लियर है, सब बच्चों को ये सवाल क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। आपको जो मसला है फौरी मुझे बताएं, इफ आई विल टेक अ स्पीड तो मुझे आइडिया होना चाहिए कि यार आपको अभी पीछे हैं। लेकिन ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट नहीं होने वाला, इसलिए मैंने इसको जल्दी करवाया, ये इज नॉट रेलेवेंट, ये वैसे भी एब्सॉर्प्शन मार्जिन कॉस्टिंग जाया करेंगे। यहां तक कोई इश्यू बेटा, किसी को कोई इश्यू, काइंडली बेटा सब लोग रिप्लाई करें मुझे जरा। काइंडली बेटा सब लोग रिप्लाई करें। अच्छा जी हम आगे चलते हैं, चलिए हम आगे चलते हैं। अच्छा एक तो ये एग्जाम्पल हो गई मेरे पास, इससे पिछली वाली जितनी भी बड़े एग्जाम्पल वो काफी हद तक मैं करवा चुका हूं। फिर ओएआर की बात कर ले, अंडर अब्सॉर्बर ओवर अब्सॉर्ब, इस पर हमारी काफी डिस्कशन हो गई बेटा। एक रेट निकाला जा रहा होता है, उस रेट को निकाल के हम चलाते हैं, रेट कैसे निकालते हैं हमने बात कर, अंडर ओवर अब्सॉर्ब कैसे निकालते हैं ये भी हमने बात कर ली थी। जब वो ओएआर एक रेट निकालते हैं, ओवर अब्सॉर्प्शन रेट, उस रेट को मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल एक्चुअली लेवल के साथ, तो हमारे पास क्या आता है, ये एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स, ये अप्लाइड है, ये हमने अप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, एक्चुअल ओवरहेड्स आ रहा है बेटा, माइनस कर लिया। अगर ये वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, इफ दैट वैल्यू इज अ पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो ये ओवर है, ओवर एब्सॉर्ब हो रहा है, अगर ये वाली क्या नेगेटिव है तो ये क्या होता है, ये अंडर एब्सॉर्ब हो रहा है, ऐसे ही आप।
ओवर एब्जॉर्ब अंडर एब्जॉर्ब, क्लियर है बात? अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही होगी तो ओवर एब्जॉर्ब है, ओवर एब्जॉर्ब का मतलब क्या है, मैंने कस्टमर को ज्यादा एब्जॉर्ब करवा दिए, ज्यादा कॉस्ट चार्ज कर दी है, कस्टमर की कॉस्ट ज्यादा एस्टिमेट कर दी है, तो हमें फायदा ही होगा अगर ज्यादा एस्टिमेट कर लिए, एक्चुअली कॉस्ट कम है, या कि अगर हम कॉस्ट को कम एस्टिमेट करते हैं अंडर एब्जॉर्ब करवाते हैं तो हमें नुकसान होता है, लॉस होता है, तो आप ओवर एब्जॉर्ब को या तो प्रॉफिट में ऐड कर देंगे या कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस कर देंगे, अंडर एब्जॉर्ब को या आप कॉस्ट ऑफ सेल में से जाके उसको ऐड कर देंगे या प्रॉफिट में उसको माइनस कर सकते हैं आप। डबल एंट्री अभी हम इसकी देखेंगे आगे जाके, अब प्रॉफिट मार्जिन कॉस्टिंग करेंगे ना तो फिर डबल एंट्री में आपको क्लियर करूंगा। जितनी भी जो कॉस्ट होती है ना ओवरहेड की कॉस्ट, अल्टीमेटली हमारे पास एक प्रोडक्ट की कॉस्ट में जानी होती है, वैसे उसने एंट्री की कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को क्रेडिट किया हुआ है और फिक्स फिनिश गुड्स को डेबिट किया है, कि जितने भी ओवरहेड की कॉस्ट है उसको खत्म करके हम किसको ट्रांसफर कर रहे होते हैं, फिनिश गुड्स को हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी उसने एंट्री भी की हुई। जरा एक और एंट्री वैसे देख लें आप कि फिनिश फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो होते हैं हमारे पास उसको डेबिट किया हुआ और फिर हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल में जाके क्रेडिट किया हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल में जाके इसको हम डिटेक्ट करवाते हैं, या एंट्री में आपको करवाऊंगा आगे जाके, चैप्टर आएगी जिसमें एंट्री होंगी उसमें काफी डिस्कशन करेंगे हम, तो अंडर ओवर एब्जॉर्ब की ये डिपेंड कर रहा होता है, यानी सिंपल इज दैट कि अगर अंडर एब्जॉर्ब है तो कॉस्ट ऑफ सेल में जाके वो एड होना है, उसने चार्ज होना है, कॉस्ट ऑफ सेल में वहां जाके इंक्रीज करना, जैसे ये आप एंट्री देख लें कि अंडर एब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ पे हमारे पास अंडर एब्जॉर्ब है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स पे ये चार्ज होगा, कॉस्ट में जाके एड होगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट कर देंगे और हम फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को क्रेडिट कर देंगे। अगर ये ओवर एब्जॉर्ब होता तो ओवर एब्जॉर्ब है कॉस्ट ऑफ सेल में से डिडक्ट होना है, इससे माइनस होना है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम क्रेडिट कर देते हैं, फिनिश ये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को हम फिर डेबिट कर देते हैं। बस इतना बस आपने याद रखना है कि अगर अंडर एब्जॉर्ब है तो हमें नुकसान है, तो नुकसान लॉस हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट होगा, फिक्स ओवरहेड्स हमारे पास क्रेडिट होंगे, अगर ओवर एब्जॉर्ब है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट होगा, हमें फायदा होता है, कॉस्ट ऑफ सेल कम होना है, कॉस्ट में से डिडक्ट होना है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को हम डेबिट करेंगे। तो एक हेड अब याद रख लें कि अंडर एब्जॉर्ब है तो लॉस है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, ओवर एब्जॉर्ब है तो प्रॉफिट है, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स कब डेबिट होती कब क्रेडिट, इतनी सी बात बस आप याद रख लें, बाकी आपको इश्यू नहीं आएगा। अच्छा खैर आगे भी पढ़ेंगे इसको हम। अच्छा खैर और क्या हमारे पास है, ये एक रेट निकाल के दिखाया हुआ है, ओवर एब्जॉर्प्शन रेट निकाले उसको मल्टीप्लाई करें फिर चेक करें, ये हमने देखी हुई चीजें, अभी हम सवाल देखते हैं बिल्कुल अच्छी, ये हम देख। अच्छा रीजंस क्या होती हैं, बात थोड़ी सी मैं ये डिस्कस कर लेते चले, क्या रीजंस होती हैं अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की, मुझे बच्चा जल्दी बता सकते हैं, जल्दी बताया था मुझे, फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, अंडर क्यों आता है ओवर क्यों आता है, फॉर्मूला को गौर से देखें, क्या कंपोनेंट चेंज होता है तो हमारे पास अंडर आ जाता है या ओवर आ जाता है, ये क्यों अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन क्यों होता है, जल्दी बेटा सब लोग वर्किंग करेगा। D2 OAR, हाँ जी हम पेपर में ये तो नहीं लिख सकते D2 OAR, अब OAR के अंदर बताए ना, OAR के अंदर क्या मसला आ सकता है, बजटेड ओवरहेड्स, ये हम कह सकते हैं कि हमने ओवरहेड्स, हम यूं कह सकते हैं यार बजटेड ओवरहेड्स कुछ और थे और एक्चुअल ओवरहेड्स कुछ और थे, तो बजटेड ओवरहेड्स और एक्चुअल ओवरहेड्स के डिफरेंट, एक तो ये फर्क आ सकता है, और हम OAR को किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, एक्टिविटी लेवल के साथ, तो एक्चुअल एक्टिविटी लेवल डिफरेंट हो सकती है हमारे पास, यानी एक तो ये कि मैं कहूं यार पूरा OAR ही फर्क पड़ सकता है, लेकिन हमारे पास OAR क्या होता है, OAR इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल, एक तो मैं कहूंगा यार एक्टिविटी लेवल ठीक नहीं है, यानी एक्चुअल एक्टिविटी लेवल इज डिफरेंट फ्रॉम द बजटेड एक्टिविटी लेवल, एक तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो बजटेड एक्टिव लेवल है वो ज्यादा ये कम है, एक्चुअल एक्टिव लेवल ज्यादा ये कम है, जिसमें फर्क आ रहा है, दूसरा क्या है बजटेड ओवरहेड्स, यार हमारे बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं और हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं, एक्चुअल ओवरहेड्स कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द बजटेड ओवरहेड्स, तो ये दो रीजन ही हो सकती है OAR के अंदर, इसी को हमने मल्टीप्लाई करना होता है, OAR को निकाल के मल्टीप्लाई करते एक्चुअल एक्टिविटी लेवल के साथ, तो हम कहेंगे हमारा एक्चुअल एक्टिविटी लेवल है वो डिफरेंट हो सकता है हमारे बजटेड एक्टिव लेवल के साथ, और हमारे एक्चुअल ओवरहेड जो है टोटल ओवरहेड और हमारे टोटल बजटेड ओवरहेड से डिफरेंट हो सकते हैं, इन दोनों के फर्क की वजह से या अंडर एब्जॉर्ब आता है या ओवर एब्जॉर्ब आ जाता है, इन दोनों की वजह से आ रहा होता है, ये दो हमारे पास मेन रीजंस होती हैं। हाँ जी बेटा आप क्लियर है सब बात, सबको बात क्लियर हो गई, अंडर या ओवर क्यों आता है, इज इट क्लियर, अंडरस्टैंड बेटा, सब लोग काइंडली सब लोग रिप्लाई करेंगे यार,
सब लोग रिप्लाई किया करें, ठीक हो गया, ये बात क्लियर होगी, तो हम बता देंगे यार ये दो चीजें डिफरेंट होने की वजह से हमारे पास फर्क आ जाता है। लेकिन ये अब हमारे पास आ गया फिक्स एंड वेरिएबल ओवरहेड्स, ये अभी हमने नहीं पढ़ना, ये मैं आगे जाके आपको अटैच करके पढ़ाऊंगा आगे कि ये फिक्स और वेरिएबल में फर्क क्या होता है, फिक्स और वेरिएबल ओवरहेड्स, और इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं। तो बस ये हम अगले चैप्टर में अब्सॉर्प्शन फाइनल कॉस्टिंग के साथ, आई थिंक चैप्टर नंबर 5 के साथ मैं आपको चलाऊंगा ना, ये आगे जाके मैं आपको करवाऊंगा, जब मैं आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करवाऊंगा ना उसमें ये चीज क्लियर करूंगा कि यह क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर मैं क्लियर करूंगा जाके आपको कि फिक्स और वेरिएबल ओवरहेड्स क्या होते हैं। बल यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चैप्टर हमारा ये खत्म हो चुका है। यहां से मैं एक दो चाह रहा था बुक से आपको जल्दी से गो थ्रू करवा दूं, तो वही ये सोल्यूशन अब आ गया हमारे पास, द चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड, इस चैप्टर में यही चीजें थी, इज इट डन। चैप्टर में कोई मसला यहां तक कोई कंसेप्चुअली, मैं सवालों पे जाने लगा हूं, अगर आपको क्लियर है जल्दी रिप्लाई करें ताकि हम सवाल पे जाएं। चैप्टर में कोई मसला किसी चीज का, हम सवालों पे क्वेश्चन से मूव करना चाहिए बेटा, शुड बी मूव, ठीक हो गया, हम सवालों पे मूव करते हैं, क्वेश्चन सवालों पे मूव करते हैं हम। हाँ जी, कौन सा सवाल था मेरे ख्याल में, क्वेश्चन था एक, ले जी क्वेश्चन बैंक खोल लेते हैं, ये क्वेश्चन बैंक है आपके सामने बेटा, इसमें चले मैं आपको क्या करता हूं, इस सवाल को भी मैंने करना है 3.9 में, चार था कि अभी आप एक बच्चे ने क्या कहा, वो कोई बच्चा है वो क्या कह रहा है, इसके बारे में भी बात की बच्चे ने, की एक बच्चे ने इसके, एक बच्चे ने इस सवाल के बारे में बात की है, एक ने 3.9 के बारे में बात की, एक ने 3.7 के बारे में बात की है। अच्छा 3.9 का लास्ट पार्ट बस समझ नहीं है, अच्छा चलिए मैं 3. ऐसा करता हूं मैं, अभी मैं क्या करता हूं, अभी मैं ये 3.7 में किसी को मसला है, अगर 3.7 क्लियर है बेटा तो मुझे बता दे, रात में एक बच्चे मुझे 3.7 पे कहा था, मैं पहले इसको देखूं क्या 3.7। हाँ जी 3.7 में कोई मसला अगर है तो मैं जल्दी से आपको ये शॉर्टकट, इसमें कोई मसला नहीं है, नहीं तो मैं 3.9 के टाइम क्योंकि कम है तो 3.9 का एटलीस्ट वो लास्ट पार्ट तो करवा दूंगा। 3.7 में किसी को कोई इश्यू बेटा, 3.7 में है क्या, कुछ भी नहीं है यार। आप मैं एक थोड़ा सा जल्दी, जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा उनको हिंट करा देता हूं थोड़ा सा, ये जो जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं हमने क्या करना था, इनकी कॉस्ट को अब्सॉर्ब रीअपोर्शन करना था, तो सबसे पहले आप बजट ओवरहेड्स हैं इनकी कॉस्ट को रीअपोर्शन कर देना है आपने, तो क्या करना है आपने, जितने भी आपके बजट ओवरहेड्स हैं, जितने भी आपके बजट ओवरहेड्स, सबसे पहले बजट ओवरहेड्स की कॉस्ट को आपने रीअपोर्शन कर देना है, ये 600 को और 700 को कैसे कैसे आप इसको रिपीट कर देना बार 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 जब तक ये वैल्यू जो हमारे पास 10 से कम ना हो जाए। इसी तरह फिर आपने बजट को भी एक्चुअली आपने बजट ओवरहेड्स उसकी कॉस्ट को रीपोर्शन करवा देना है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में आते थे, फिर आपने आपके एक्चुअल जो ओवरहेड्स उसको भी आपने बार बार डिस्ट्रीब्यूट करवा देना है, डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे आप, करवाने के बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब हम हमारे पास इसके बजट ओवरहेड्स वैसे दिए हुए थे हमारे पास कि बजट ओवरहेड्स कितने कितने हैं इनके, वो 1200 के 2000 के 2250 के दिए हुए एक्चुअली भी दिए हुए थे, रीपोर्शन करने के बाद बजट ओवरहेड्स में इसको ऐड कर देंगे तो टोटल हमारे पास बजट ओवरहेड्स आ जाएंगे हमारे पास, बेस डी भी हमारे पास मशीन आवर्स है लेबर आवर्स है मटेरियल कॉस्ट, तो बजट ओवरहेड्स को इस बेस से डिवाइड करेंगे रेट निकलेगा, उस रेट को मल्टीप्लाई करना आपने एक्चुअल एक्टिव लेवल के साथ, सर सॉल्यूशन में एक्चुअल ओवरहेड्स को अपोर्शन किया है। अच्छा एक्चुअल ओवरहेड्स को भी करना ना बेटा आपने, देखना एक्चुअल मैंने क्या करना, आपने बजट ओवरहेड्स को पहले आपने अपोर्शन कर लिया ठीक है, बजट ओवरहेड्स को आपने अपोर्शन करके बजट ओवरहेड 1200 में 2000 में और 2250 में ही उसको आपने ऐड कर देना, बजट ओवरहेड्स को आपने रीपोर्शन करके बजट में ऐड कर दिया तो टोटल बजट ओवरहेड्स आ जाएंगे मेरे पास, टोटल बजट ओवरहेड्स को हमने बजट बेस से डिवाइड करना है मशीन आवर से लेबर आवर से इससे डिवाइड किया तो रेट निकलेगा, उस रेट को मल्टीप्लाई करना आपने एक्चुअल एक्टिविटी लेवल के साथ, यानी एक्चुअल मशीन आवर एक्चुअल लेबर आवर और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया हमारे पास क्या आएगा एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स, जब एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई करेंगे एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स आएगा, वहां से माइनस करना है आपने एक्चुअल ओवरहेड्स, जब एक्चुअल ओवरहेड्स आपने माइनस कराना है तो एक्चुअल ओवरहेड्स आपने खाली ये वाले नहीं देने आपके सामने
12 ये 1250 के दिए 2018 तो खाली यही नहीं लेने आपने, 1250 2018 तो लेने लेने प्लस ये 500 और 750 इसको भी रीपोर्शन करके आपने इसको भी आपने एक्चुअल में ऐड करना है, ये सब एक्चुअल है। यानी बजट ओवरहेड्स में बजट रीअपोर्शनमेंट कॉस्ट आपने ऐड करवा देनी है, एक्चुअल ओवरहेड्स में आपने एक्चुअल रीअपोर्शनमेंट कॉस्ट ऐड करवा के एक्चुअल ओवरहेड्स निकलाएंगे, वो एक्चुअल ओवरहेड्स हम यूज करेंगे। तो बजट ओवरहेड्स इनटू एक्चुअल लेवल से डिवाइड करके हमारे पास अब्सॉर्ब ओवरहेड्स आ जाएंगे, उसमें से एक्चुअल माइनस करेंगे तो अंडर योर अब्सॉर्ब आ जाएगा। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल में सवाल, इसमें कोई मसला नहीं है, आई थिंक सो, एम आई राइट? इस सवाल में कोई मसला भी 3.7 में एनी इश्यू, कोई प्रॉब्लम? क्लियर। अब मैं चलता हूं आगे, 3.8 में करवाने को करवा दूं लेकिन अभी उसमें टाइम चाहिए थोड़ा सा, हमारे पास इतना टाइम इस टाइम नहीं है, कल आपसे करवाता हूं आते मॉर्निंग में। सबसे पहले 3.8 पूरा सॉल्व करवा दूंगा और बताए 3.8 कल आते मैं मॉर्निंग में सॉल्व करवा दूंगा। अभी एक और छोटा सा एक बच्चा पूछा था मुझसे, इक्वेशन मेथड करवा दिया है, यस इक्वेशन मेथड मैंने करवाया बेटा, इक्वेशन मेथड मैंने करवाया साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, एक्स और वाई कैसे बनाने मैं करवा दूंगा आपको भी कल, कल ये सवाल करवा दूंगा, थोड़ा लंबा है ये, थोड़ा सा बस लंबा है। अभी क्या करते हैं हम इसको देख लेते हैं, चले इसको देख लेते हैं। इस सवाल को अगर आपने नहीं देखा तो मैं स्क्रैच से जल्दी डिस्कस कर देता हूं, अगर आपने देखा हुआ है तो एक जो पार्ट मुझसे पूछा जा रहा था बच्चे ने कि मुझे सिर्फ आखिरी पार्ट में किसमें को मसला रहा था, सेकंड पार्ट में मसला रहा, हाँ जी इस सवाल को देखें बड़ा, इसके रिक्वायरमेंट्स पढ़ लें जल्दी जरा, चलिए सवाल को थोड़ा पढ़ लें जल्दी जरा आप। अच्छा एक बच्चे का सवाल 3.9 आपने सवाल क्लास में करवाना था, मैं करवा देता हूँ यार कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो मैं करवा देता हूँ, इट्स नॉट इश्यू। इफ यू थिंक दैट आई शुड सॉल्व देन आई विल सॉल्व यार, कोई मसला ही नहीं है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं ना, अभी मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, स्टार्ट कर लेते हैं, जितना सॉल्व हो गया ठीक है, बाकी कल वहां से स्टार्ट करेंगे और 3.8 भी करवाऊंगा या और भी कुछ चीजें निकले तो वो भी करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। हाँ जी सबसे पहले क्या बात की जा रही, बजट ओवरहेड एप्लीकेशन रेट यानी ओएआर आपने ईच डिपार्टमेंट का निकालना है, ये बात समझ आती है? पहले मैं चले मैं सीक्वेंस सारा सवाल सॉल्व करवाता हूँ। हाँ जी बजट ओवरहेड एप्लीकेशन रेट फॉर ईच डिपार्टमेंट, तीनों डिपार्टमेंट का आपने क्या निकालना है, ओएआर निकालना है। नंबर बी टोटल एंड डिपार्टमेंटल एक्चुअल कॉस्ट फॉर ईच यूनिट, हर एक यूनिट की आपने टोटल कॉस्ट यानी हर एक डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट निकालनी है आपने। फिर आपने चेक करना है अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब है कि नहीं है, ये कितना है, ये सारी चीजें आपने यहाँ पे अप्लाई करनी है, ठीक होगी बात यहां तक? हाँ जी सवाल देख लिया आपने, सवाल को आपने रीड किया, कहते अंबर लिमिटेड एएल कंपनी को मैन्युफैक्चर सिंगल प्रोडक्ट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द ईयर 2004 हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड द कंपनी थ्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तीन डिपार्टमेंट्स हैं इनकी, तीनों डिपार्टमेंट ए बी सी, तीनों की हमारे पास बजट कॉस्ट भी गिवन है, एक बच्चे कहने के पहले मुझे वो लास्ट पार्ट सॉल्व करवा दे, मैं हिंट कराता हूं बेटा आपको, अभी हिंट कराता हूं, डोंट वरी रिलैक्स रहे आप, मैं आपको अभी कुछ स्टार्ट करते हैं, मैं कल भी आप कल पूरा सवाल फिर इसको कर लेंगे, ठीक है? अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, जो हो जाएगा ठीक है, जो नहीं होगा कल आपको ये भी करवाऊंगा, पिछला सवाल भी करवाऊंगा, इसके अलावा कुछ सवाल करने को दूंगा जिसमें आपको मसला होगा वो भी डिस्कस करेंगे। चैप्टर खत्म हो गया है लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो जरूरी ना बेटा, ठीक है? डोंट वरी रिलैक्स रहे आप, हर चीज मैं सारी चीज आपको कवर करवा के जाऊंगा। अच्छा जी, अच्छा इस सवाल को हम सीक्वेंस से चलते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट चाहिए, ओएआर हमें फाइंड करना है, ओएआर फाइंड करना। अच्छा सवाल पढ़ रहा था मैं, कहते हैं एल जो मैन्युफैक्चर सिंगल प्रोडक्ट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द ईयर 2004 हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी थ्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, कंपनी कितने डिपार्टमेंट है, तीन डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट ए है बी है सी है, इसके तीनों के बजट कॉस्ट भी गिवन है, फिर डिपार्टमेंट ए बी सी के हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट भी गिवन है। अब इसकी मटेरियल कॉस्ट गिवन है हमारे पास, मटेरियल बजट कॉस्ट कितनी है, 80 मिलियन की है, ए की 150 है, देन 120 है, इसी तरह इनकी लेबर आवर्स गिवन है, मशीन आवर्स गिवन है, सब कुछ एक्चुअल भी गिवन है, सब कुछ बजट भी गिवन है,
AL produced 3.57 million units during the period. The virtual labor rate per hour is rupees 120. Rate per hour kitna hamare paas 120 ka rate hai. The overheads for department A is absorbed at rupees 5 million, for department B at 15% of the labor cost, and for department C at 5% of the prime cost of the respective department. Haan ji, kya kahenge aap? Bataen zara aap. Department A ke liye kya karna hai aapne? Overheads kitne hai hamare paas? Department A ke overheads. Department A ke jo hamare paas overheads hai wo kitne hai? डिपार्टमेंट ए के ओवरहेड्स हमारे पास ये में 5 मिलियन, हाँ जी, सबसे पहले हम सबका ओएआर फाइंड करेंगे बेटा. डिपार्टमेंट ए के ओवर 5 मिलियन है, डिपार्टमेंट बी के कितने हैं? 15% ऑफ द लेबर कॉस्ट. और डिपार्टमेंट सी का रेट नहीं निकालना, निकला होगा ये क्या है 5% ऑफ प्राइम कॉस्ट, ये रेट निकाल के दिया वैसे, ड्रामा चला रहा है. तो तीन डिपार्टमेंट जो हमारे पास है, ए है, बी है और सी है. सी का रेट निकला हुआ 5% ऑफ प्राइम कॉस्ट, ये प्राइम कॉस्ट कितना है, ये 5% है. ए और बी का निकालना पड़ेगा जरा आपको. अच्छा, ए का क्या हमारे पास दिया हुआ है, ए का उसने कहा हुआ कि बजट इज रुपीज 5 बिलियन. अच्छा, डिपार्टमेंट ए के ओवरहेड कितने हमारे पास, 5 मिलियन है. तो 5 मिलियन बेटा ओवरहेड्स है, ओवरहेड्स कॉस्ट है 5 मिलियन. बेस क्या दी हुई, नीचे बेस आपको बताई हुई. उसके बाद उसमें एक्चुअल ओवरहेड्स फॉर डिपार्टमेंट ए बी सी आर रुपीज, ये एक्चुअल ओवरहेड्स भी आपको दिए हुए. ओवरहेड्स आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस, हमने क्या बेस दी हुई, डिपार्टमेंट ए की बेस क्या है, मशीन आवर्स. डिपार्टमेंट बी की बेटा बेस क्या है, लेबर आवर्स बेटा. डिपार्टमेंट सी की बेस क्या है बेटा, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट. ठीक हो गया. तो कितने हमारे पास मशीन आवर्स दिए हुए, जरा देखिए मशीन आवर्स जल्दी जरा. OAR को निकालने के लिए मुझे ये बताएं कि हम बजटेड मशीन आवर यूज करेंगे या एक्चुअल मशीन आवर यूज करेंगे. हाँ जी, जल्दी तीनों एक दफा ट्राई करेंगे, एक दफा तीनों का रेट निकाल के दिखाएं. एक मिनट आप सोचेंगे फिर मैं करूंगा, आप पहले आपको करने को कहूंगा, जरा थोड़ा दिमाग यूज करें, अदरवाइज आप थोड़ा पीछे रह जाते हैं. सब लोग जल्दी, सब लोग पहले खुद ट्राई करें जरा. हरी अब हरी अब हरी अब सब लोग. अब रेट निकालें, तीनों डिपार्टमेंट का रेट निकालें, सब लोग ट्राई करें जरा. हाँ जी, 5 मिलियन के ओवरहेड है, थोड़ा जल्दी कर सॉल्व भी कर दूंगा. 5 मिलियन के ओवरहेड है और मशीन आवर कितने, बजट मशीन यूज करना है, तो बजट हमारे पास मशीन आवर कितने हैं, 4 लाख है. तो 5 मिलियन डिवाइड बाय 0.4 मिलियन करने चले, मिलियन में अगर लिखना है आपने, तो 5 मिलियन पूरा लिख के 4 लाख से डिवाइड कर लें आप, तो हमारे पास रेट निकलेगा. क्या रेट निकलेगा, डिपार्टमेंट एक रेट नहीं बताया मुझे, जल्दी निकाल के दिखाएंगे क्या निकाला आपने रेट. 5 डिवाइड बाय 0.4 भी करें तो 12.5 पर मशीन आवर, 12.5 बेटा ये पर मशीन आवर निकला है. कि डिपार्टमेंट ए के ओवरहेड दिए में कितने ओवरहेड दिए हमारे पास, 5 मिलियन है, डिवाइड बाय रेट मशीन आवर बताया हुआ, मशीन आवर बजट दिए में डिवाइड किया रेट निकाल दिए. डिपार्टमेंट बी का क्या बताया हुआ, कहते हैं डिपार्टमेंट बी है 15% ऑफ द लेबर कॉस्ट, पर 15% ऑफ लेबर कॉस्ट तो निकाले ना, लेबर कॉस्ट कितनी है हमारे पास जरा चेक करें. हरी अब लेबर की कॉस्ट तो नहीं दी हुई, मटेरियल कॉस्ट दी हुई. अच्छा, लेबर के आवर्स तो दिए हुए हैं, 5 लाख आवर्स हैं हमारे पास, उसको रेट पर आवर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. डिपार्टमेंट बी की कितने लेबर के आवर्स हैं, 5 लाख आवर्स हैं, आवर्स दिए हुए, रेट पर आवर कितना है, 120. तो यू कर लेते हैं यहां पे कि 5 लाख आवर्स हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हुए 120 के साथ, तो क्या आती वैल्यू जरा, टोटल लेबर कॉस्ट निकलेगी ना हमारे पास, 5 लाख मल्टीप्लाई 120 किया तो कितना निकला, मिलियन निकाल ले चले, 60 मिलियन आई थिंक आ जाएगा, 60 मिलियन. तो 60 मिलियन का 15% लेना, उसे बताया था 15% था लेबर कॉस्ट, तो 15% ऑफ 60 मिलियन लिया तो क्या आया हमारे पास, 9 आ जाएगा, 9 मिलियन.
डिपार्टमेंट बी की बेस क्या है, 9 मिलियन ऑफ द लेबर कॉस्ट निकला है, 15% ऑफ द लेबर कॉस्ट। अब इसकी बेस क्या है, लेबर आवर्स, कितने लेबर आवर्स दिए हैं, अभी मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई कराया आपके सामने, कितने लेबर आवर्स है, 8 लाख है, 0.5 लिख रहे होंगे आप। चलो निकालें रेट क्या निकला इसका, जल्दी जल्दी सब लोग ट्राई करें, इंगेज हो सब लोग। हरिया बेटा क्या रेट आ रहा है डिपार्टमेंट बी का, रेट बेटा क्या आ रहा है, हाँ जी क्या रेट निकला, 80 रेट निकला है, 18 ग्रेड आ गया जनाब, दिस इज। और डिपार्टमेंट सी का क्या है, परसेंटेज ऑफ द प्राइम कॉस्ट, वो बताया हुआ था कि 5% ऑफ प्राइम कॉस्ट, ठीक है, नहीं तो आपने अगर निकालना भी तो मैं आपको आइडिया दे देता हूं। यहां हमारे पास आएंगे ओवरहेड डिवाइड बाय प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू, बता दिया उसने 5%, तो ये निकालना निकालने आप कि कितना हमारे पास है ये कॉस्ट, ये निकला है अभी पर्पस, ये ना भी निकालेंगे उल्टा रिवर्स वर्किंग कर लें, प्राइम कॉस्ट ले निकाल लें, प्राइम कॉस्ट कैसे निकलेगी, सी है ना, तो सी के लिए एक मटेरियल की कॉस्ट ले लेंगे आप, एक लेबर की आवर्स ले लें और एक मशीन की आवर्स, इनको ऐड कर लें, बल्कि करने की जरूरत नहीं है, रेट निकलेंगे सबके, तो 5% तो प्राइम कॉस्ट, ये रेट ऑलरेडी निकला हुआ है कि प्राइम कॉस्ट का परसेंटेज है तो बताया हुआ 5% है, ये डिपार्टमेंट बी का भी आ गया, डिपार्टमेंट ए का भी आ गया, यहां तक कोई मसला बेटा किसी को, पार्ट ए इट इज क्लियर, सबको ये पार्ट ए क्लियर है, तो फिर मैं आगे चलूंगा, सबको लेके चलना होता जरा। अच्छा जी ये पार्ट ही क्लियर हो गया, सबको ये पार्ट ही क्लियर हो गया, अब मैं पार्ट बी पे जाता हूं बेटा, पार्ट बी में क्या कहा जा रहा है जरा पढ़े जरा, एक मिनट मैं इसको डालूंगा। अब देखें पार्ट बी में क्या कहा जा रहा है, टोटल एंड डिपार्टमेंटल एक्चुअल कॉस्ट फॉर ईच यूनिट, सिंपल आपने क्या करना है, एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है, वेरी सिंपल, क्या करना है आपने, एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है, तो एक्चुअल कॉस्ट तो आसानी से निकलाएगी, क्यों, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट दी हुई है। चलिए जो मैं कर भी दूं किसी पेज पे कर दूं, क्या करूं मैं, क्या करता हूं यहां पे, यहां कर देता हूं यार आपको, क्या होगा, चलो मैं यहां ट्राई कर देता हूं, कितने डिपार्टमेंट हमारे पास हैं, हमारे पास कितने डिपार्टमेंट्स हैं, ये है ना, यहां सॉल्व कर देता हूं, चलो एक हिंट कराता हूं आपको, तो अभी सॉल्व हो जाएगा, इतना मसला नहीं है, ये कितने डिपार्टमेंट्स हमारे पास है, ये देखें अभी मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, लें 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए है, ये बी है, ये सी है, वेरी सिंपल। सबसे पहले क्या लेंगे यहां पे, हम इसकी हम यहां पे लेंगे मेटीरियल की कॉस्ट, चले फिर लेंगे लेबर की कॉस्ट, ठीक हो गया, फिर लेंगे ओवरहेड्स की कॉस्ट, ऐड करेंगे कॉस्ट आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, एक बच्चा करे टुडे इज सफिशिएंट, यार ट्राई तो करें, थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं, कल मैं यहां से स्टार्ट कर लूंगा, हाँ जी बेटा, हाँ जी हाँ जी, सबको आवाज आ रही है मेरी, आज के लिए काफी है तो ठीक है यार, सब लोग मुझे रिप्लाई करें, इफ यू आर ओवरलोडेड देन इट्स ओके, कल यहां से कर लूंगा, मुझे कोई इशू नहीं, मैं तो कोशिश करता हूँ थोड़ा करके आपको रोज पढ़ाया जाओ, चैप्टर खत्म हो चुका, काफी क्वेश्चन कर लिए हमने, कुछ हम कल करेंगे, कल हम इसको वाइंड अप कर देंगे इंशाल्लाह, नए चैप्टर में मूव कर देंगे। हाँ जी सब लोग मुझे रिप्लाई करें, सब लोग काइंडली, ऑल ऑफ यू शुड रिप्लाई, ऑल ऑफ यू, आज के लिए काफी है, इट इज सफिशियंट, चले कल मैं आपको प्रॉपर फुल वो सॉल्व करवा दूंगा इसको फॉर्मेट के साथ, कोई नो इश्यू, इसको भी सॉल्व करेंगे, एक और भी क्वेश्चन देखेंगे, चले ठीक है, काफी हो गया आज के लिए, जब आपको लगे कि हमने काफी काम कर लिया, आप थक रहे हैं तो मुझे बता दिया करें,
लेकिन अभी आपने एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने स्टेमिना बनाना है। मैंने आगे जाके आपके सैटरडे वाले दिन दो दो घंटे तीन तीन घंटे लगाने हैं। अभी तो सिस्टम ओवरलोड हो जाता हमारा, तो मैं आगे जाके टाइम भी मुझे चेंज करना पड़ा, तो मैं चेंज करके आपको ज्यादा टाइम दूंगा। हमने सैटरडे वाले दिन प्रैक्टिस सेशन लगाना होता है, काफी सवाल सॉल्व करने होते हैं हमने। ठीक हो गया, तो आज के लिए काफी है इंशाल्लाह जनाब। तो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टुमारो, सो फॉर टुडे दिस इज सफिशिएंट, सो इंशाल्लाह हम कल यहां से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टुमारो। चैप्टर गो थ्रू कर लीजिएगा सारा यार, ग्रुप से चैप्टर एक दफा गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।